हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग अभी इवोल्यूशन का एविडेंसेस देख रहे हैं। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस में होमोलोगस ऑर्गेन को देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे एनालोगस ऑर्गेन। देखिए एनालोगस ऑर्गेन क्या होता है वो समझेंगे। एनालोगस ऑर्गेन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में वो स्ट्रक्चर है जो एनाटॉमिकली डिफरेंट है लेकिन वो सेम फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि हम लोग होमोलोगस ऑर्गेन में पढ़े थे कि एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर सेम था लेकिन फंक्शन डिफरेंट था, और एनालोगस जस्ट उसका अपोजिट होगा। एनाटॉमी एनालोगस ऑर्गेन में जो एनाटॉमी है वो डिफरेंट होगा और फंक्शन सेम होगा। जैसे कि होमोलोगस मतलब आपको बताए थे कॉमन एंसेस्ट्री, उसी तरह एनालोगस ऑर्गन में कॉमन एंसेस्ट्री नहीं होगा। एनालोगस ऑर्गन डू नॉट एग्जिबिट कॉमन एंसेस्ट्री। चलिए समझते हैं एनालोगस स्ट्रक्चर और एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द स्ट्रक्चर इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट सिमिलर एनाटॉमिकली, विच आर नॉट सिमिलर एनाटॉमिकली बट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस, बट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। और जो सेकेंड पॉइंट है, एनालोगस स्ट्रक्चर डू नॉट एग्जिबिट कॉमन एंसेस्ट्री। अनलाइक फ्रॉम द होमोलोगस स्ट्रक्चर, वहां पे कॉमन एंसेस्ट्री था, है ना, यहां पे कॉमन एंसेस्ट्री नहीं होगा। दे डू नॉट एग्जिबिट कॉमन एंसेस्ट्री। और एनालोगस ऑर्गन में जो एनाटॉमी है वो डिफरेंट होगा बट जो फंक्शन है वो सेम होगा। ये एनालोगस स्ट्रक्चर होता है। अभी आप लोग देखेंगे एनालोगस स्ट्रक्चर का एग्जांपल, है ना। सबसे पहला एग्जांपल एनालोगस स्ट्रक्चर में जो हम लोग देखेंगे, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। देखिए जैसे कि बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है और बर्ड्स है ना, तो विंग्स का काम क्या है? विंग्स का काम है उड़ने में हेल्प करना, फ्लाइंग में। बटरफ्लाई के पास भी विंग्स है, बर्ड्स के पास भी विंग्स है, लेकिन जो विंग्स का एनाटॉमी है, जो इंटरनल डिजाइन है विंग्स का, वो डिफरेंट है। इसीलिए ये बटरफ्लाई का विंग्स और बर्ड का विंग्स एनालोगस ऑर्गेन है, एनालोगस स्ट्रक्चर है। दोनों विंग्स का फंक्शन सेम है। क्या फंक्शन है? उड़ना है, फ्लाइंग में हेल्प करना है। लेकिन जो विंग्स का इंटरनल डिजाइन है, जो एनाटॉमी है, वो डिफरेंट है। इसीलिए ये एग्जांपल हो जाता है एनालोगस ऑर्गेन का। दूसरा एग्जांपल एनालोगस ऑर्गेन का, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड ह्यूमंस, है ना। अगर आप आईज को देखें, आईज आईज मतलब आंख, है ना। अगर आप आंख को देखेंगे तो आंख का काम क्या है? विजन में हेल्प करना, देखने में हेल्प करना। तो ऑक्टोपस में आई का काम क्या है? देखने में हेल्प करना। ह्यूमंस में भी आई का काम क्या है? किसी भी चीज को देखने में हेल्प करना। तो सिमिलर फंक्शन हुआ ना, देखने में हेल्प कर रहा है। लेकिन अगर आप ऑक्टोपस के आईज का एनाटॉमी देखें और ह्यूमंस के आईज का एनाटॉमी देखेंगे तो वो डिफरेंट हो जाएगा। बेसिकली ये डिफरेंस कहाँ आता है? रेटिना के पोजिशन पे, डिफरेंस इन रेटिनल पोजिशन, डिफरेंस इन रेटिनल पोजीशन, ये डिफरेंस आ जाता है। तो आप लोगों को समझ आ रहा है ना, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड ह्यूमंस, ये एनालोगस स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि देखो आईज का काम है देखना, देखने में हेल्प करना। ऑक्टोपस के पास भी आई है, ह्यूमंस के पास भी आई है, देखने का काम कर रहा है। ऑक्टोपस का आई, ह्यूमंस का आई, सिमिलर फंक्शन है। लेकिन जो उसका इंटरनल डिजाइन है, जो उसका एनाटॉमी है, वो डिफरेंट है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं विंग्स ऑफ ऑक्टोपस, eyes of octopus and humans are analogous structure. तीसरा example हम लोग देखेंगे यहाँ पे,
तीसरा एग्जाम्पल एनालोगस ऑर्गेन में स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, है ना, आपको बताया स्वीट पोटैटो जिसको शकरकंदी बोलते हैं और पोटैटो आलू, दोनों का काम क्या है, फूड को स्टोर करना, दोनों का काम क्या है, फूड को स्टोर करना, फूड को स्टोर करना दोनों का काम है ना, दोनों में स्टोर्ड फूड है। लेकिन अगर आप देखेंगे ये स्वीट पोटैटो एक अंडरग्राउंड रूट है, स्वीट पोटैटो एक अंडरग्राउंड रूट है, लेकिन ये जो पोटैटो है ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है, तो ये डिफरेंस आ गया ना, मतलब एनाटॉमी डिफरेंट हो गया, दोनों का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो गया, लेकिन फंक्शन सेम है, क्या फंक्शन है, फूड को स्टोर करना है। तो ये तीसरा एग्जांपल होता है एनालॉगस ऑर्गेन का, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। चौथा एग्जांपल देखेंगे हम लोग एनालॉगस ऑर्गेन का, फ्लिपर्स, फ्लिपर्स ऑफ वेल, सॉरी फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स, पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स। देखेंगे जो फ्लिपर्स है, इस फ्लिपर्स का काम है स्विमिंग में हेल्प करना, क्या काम है फ्लिपर्स का, स्विमिंग में हेल्प करना, लेकिन जो पेंगुइन है ये पेंगुइन और ये जो डॉल्फिन है, पेंगुइन एक बर्ड है, पेंगुइन क्या है, एक बर्ड है, और डॉल्फिन क्या है, एक मैमल्स है, डॉल्फिन क्या है, एक मैमल्स है। आप लोग यहां से भी देखेंगे जो बोल रहे हैं कि कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है, बर्ड्स एक अलग स्पीसीज है, मैमल्स एक अलग स्पीसीज होता है, एक मैमल्स एक क्लास है, उसके अंदर अलग अलग स्पीसीज है ना, तो एंसेस्ट्री डिफरेंट हो गया, दोनों के पास फ्लिपर्स है और फ्लिपर्स का काम है स्विमिंग में हेल्प करना, तो फंक्शन सेम है, लेकिन जो एनाटॉमी है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, इसीलिए इसको हम लोग पेंगुइन का फ्लिपर्स और डॉल्फिन के फ्लिपर्स को बोलेंगे, ये एक एनालॉगस स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये चार एग्जाम्पल, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड ह्यूमंस, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एनालॉगस स्ट्रक्चर का। एनालॉगस स्ट्रक्चर में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनालॉगस स्ट्रक्चर हम लोगों को कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है, एनालॉगस स्ट्रक्चर हम लोगों को कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, क्यों हम बोल रहे हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, उसको समझेंगे। देखिए सिंपल सा बात है, क्यों हम लोग बोल रहे हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका फंक्शन सेम है, भले ही वो एनाटॉमिकली डिफरेंट है और डिफरेंट एंसेस्टर से ऑरिजिनेट होकर आया है, लेकिन वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, मतलब एक सिमिलर इकोलॉजिकल एरिया में, एक सिमिलर इकोलॉजिकल हैबिटेट में वो रह सकता है, इसीलिए उसको हम लोग कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोल रहे हैं। मान लो को एक हैबिटेट है, सपोज हम लोग एक्वेटिक हैबिटेट लेते हैं, क्या ले रहे हैं हम लोग, एक्वेटिक हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट में जो ऑर्गेनिजम्स का नीड है वो क्या है, वो लोग को स्विमिंग आना चाहिए, वो पानी में तैरना चाहिए, तभी वो सरवाइव करेगा, है ना। तो इसीलिए आप लोग देखेंगे जो पेंगुइन्स है, पेंगुइन्स का एक बर्ड्स है, और जो डॉल्फिन्स है वो मैमल्स है, दोनों के पास फ्लिपर्स है जो स्विमिंग में हेल्प कर रहा है, लेकिन दोनों तो अलग अलग स्पीसीज है ना, लेकिन दोनों कन्वर्ज होके एक इकोलॉजिकल एरिया में आकर रह रहा है, आकर सर्वाइव कर रहा है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो एनालॉगस ऑर्गेन है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है। तो ये था आपका एनालॉगस स्ट्रक्चर, जो कि हम लोगों का मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस है। आप लोग एक बार और होमोलोगस और एनालोगस के बीच डिफरेंस देख लीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया है होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गेन का, उसको कर लीजिए, है ना, हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। ये क्लियर है, होप आप लोग को समझ आ रहा है एनालोगस स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है। जो मेन पॉइंट्स है होमोलोगस और एनालोगस के बीच वो हम अभी करवा दे रहे हैं। कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम में लिखेंगे होमोलोगस ऑर्गेन, दूसरे कॉलम में लिखेंगे एनालोगस ऑर्गेन, देखो क्या मेन पॉइंट्स है, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच, होमोलोगस ऑर्गेन एंड एनालोगस ऑर्गेन के बीच। आप लोगों को हम पहले बताए, अगर जहां कहीं भी आप होमोलोगस शब्द सुन लीजिए, मतलब यह समझ जाना चाहिए कॉमन एंसेस्ट्री है यहां पर, कॉमन एंसेस्ट्री, ये फर्स्ट पॉइंट है। एनालॉगस ऑर्गेन में
डू नॉट एग्जिबिट कॉमन एंसेस्ट्री, डू नॉट एग्जिबिट कॉमन एंसेस्ट्री। यहां पे आप लोग देखेंगे जो एनाटॉमी है वो सेम है, लेकिन जो ये फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है वो फंक्शंस डिफरेंट है। और यहां पे जस्ट उसका अपोजिट एनाटॉमी डिफरेंट है, एनाटॉमी डिफरेंट है लेकिन जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है वो सेम है। समझ आ रहा है ना? होमोलोगस कॉमन एंसेस्ट्री है, एनालोगस कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है। होमोलोगस मतलब एनाटॉमी सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, एनालोगस मतलब एनाटॉमी डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है। जैसे आप लोग को बताया था होमोलोगस मतलब वो क्या, मैमल्स एक क्लास है और मैमल्स के अंदर चीता आता है, बैट आता है, वेल आता है और ह्यूमंस आता है। सबके पास फोर लिंब में जो बोन्स का पैटर्न है वो सेम है, सबके पास ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, मेटाकार्पल है, कार्पल्स है, फैलेंजेस है, लेकिन वो अपने एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग खुद को मॉडिफाई कर लिया है। मतलब सबका एनाटॉमी सेम है लेकिन जिस एनवायरमेंटल कंडीशंस में वो रह रहा है वहां के अकॉर्डिंग खुद का मॉडिफिकेशन लाकर वहां के लिए जो फंक्शंस चाहिए वो परफॉर्म कर रहा है। जैसे चीता का जो फोर लिम्ब है वो दौड़ने के लिए मॉडिफाई हो गया, बैट्स का जो फोर लिम्ब है वो उड़ने के लिए मॉडिफाई हो गया, ह्यूमंस का जो फोर लिम्ब है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए मॉडिफाई हो गया। तो ये जो मॉडिफिकेशंस आया इसी को हम लोग होमोलोगस ऑर्गेन बोल रहे हैं। एनाटॉमी सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। उसी तरह एनालोगस ऑर्गेन में एनाटॉमी डिफरेंट होगा लेकिन फंक्शन सेम होगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आप लोग को एकदम याद कर लेना है होमोलोगस ऑर्गेन और एनालोगस ऑर्गेन का, ये एनसीईआरटी में दिया है। सबसे पहला एग्जाम्पल होमोलोगस ऑर्गेन का, थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया, थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। जैसा कि आपको पता है, आपको बताए थे ये थॉर्न्स और टेंड्रिल्स दोनों का एनाटॉमी सेम है। ये दोनों क्या है, एक्सिलरी बर्ड्स है, एक्सिलरी बर्ड्स है, एक्सियल इन पोजीशन है, लेकिन ये मॉडिफाई कर गया है अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। जैसे जो थॉर्न्स है वो प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है और जो टेंड्रिल्स है वो क्लाइंबिंग में हेल्प कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल वर्टिब्रेट्स हर्ट, वर्टिब्रेट्स हर्ट मतलब फिश है, एम्फीबियंस है, रैप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है, सबका हर्ट का जो एनाटॉमी है सब सेम है लेकिन जो फंक्शन है वो डिफरेंट है ना, किसी में सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है, किसी में डबल सर्कुलेशन हो रहा है। तीसरा एग्जाम्पल है वर्टिब्रेट्स ब्रेन, वर्टिब्रेट्स ब्रेन, वर्टिब्रेट्स ब्रेन, जो फिश है उसका ब्रेन कम डेवलप है और हम लोग जो मैमल्स है, ह्यूमंस है, हम लोगों का ब्रेन ज्यादा डेवलप है ना। एनाटॉमी सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। तो ये तीन एग्जांपल आप लोगों को होमोलोगस ऑर्गेन में याद करके रखना है। एनालोगस ऑर्गेन का एग्जांपल हम लोग देख लेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, अभी आप लोग को एक्सप्लेन किए। दूसरा एग्जाम्पल है आईज ऑफ ऑक्टोपस, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड ह्यूमंस। तीसरा एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। चौथा एग्जाम्पल्स है फ्लिपर्स ऑफ वेल्स एंड डॉल्फिन्स, सॉरी फ्लिपर्स ऑफ वेल्स एंड डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स। तो ये था आपका होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गेन। होप आप लोग को जो मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस का कॉन्सेप्ट है इवोल्यूशन के लिए वो समझ आया होगा। अगर आपको ये सारा कुछ समझ आया है, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। थैंक्स ऑल।